Welcome to Eating Sheeting by Meenakshi. Start करते हैं आज की रेसिपी। गोभी की सारी रेसिपीज भूल जाएंगे जब आज मेरी ये बनाई हुई स्पेशल गोभी मटर कीमा खाएंगे। खाने में टेस्टी और सेहत के लिए लाजवाब, तो स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक गोभी का फूल लिया है और उसको वंडर शेफ के चॉपर में चॉप कर लिया है। इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। ये देखिए, ये बहुत आराम से बिल्कुल बढ़िया हो गए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मली कद्दूकस में भी इसको कर सकते हैं, जैसे हम लोग गोभी के पराठों के लिए करते हैं उसी तरह से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने 4 से 5 प्याज को इस चॉपर में ही चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है मैंने। 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, छोटी छोटी अदरक कटी हुई, बारीक कटी हुई अदरक, 3 टमाटर बारीक कटे हुए। और अब स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख ली है। मैं इसमें ऑयल लूँगी। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा जीरा डालूँगी। जीरे के थोड़ा सा भूनते ही मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालूँगी। इनको अच्छे से भूनने के लिए रख दूँगी। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का क्रिस्पी रखना है। 2 मिनट के लिए हमारे प्याज सॉटे हो चुके हैं। अब मैं इसमें सबसे पहले यहाँ पर रफली मैश किया हुआ गार्लिक डालूंगी। अगर आप लोग गार्लिक नहीं खाते हैं तो ना डालें, गार्लिक ऑप्शनल है। गार्लिक को भी मैं इसके साथ ही सॉटे कर लूँगी। अब मैं इसमें सबसे पहले यहाँ पर हल्दी डालूँगी। हल्दी, जैसा कि मैं आपको अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ कि हल्दी प्याज के साथ ही भुन जाती है, उसका कलर भी अच्छा आता है, बिल्कुल येलो कलर आता है। और मिर्च बारीक कटी हुई। इसके बाद मैंने यहाँ पर से हरी मटर को माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है, जिससे वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको भी मैं इसके साथ ही डालकर भून लूँगी। अदरक बारीक कटी हुई, इसको भी इसके साथ ही आप डाल लें। बारीक कटी हुई ही अदरक हम इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस जब अदरक के मुँह में आते हैं गोभी के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। 2 टमाटर बारीक कटे हुए, इसको भी डाल के इसमें मिक्स कर लें और इसके साथ ही सॉटे कर लें। हम यहाँ पर अपने मसाले डालने शुरू करेंगे। मसालों में यहाँ पे सबसे पहले मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप जितना स्पाइसी खाते हैं उसके अकॉर्डिंग डालें। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, पिसा हुआ धनिया, धनिया पाउडर, सॉल्ट, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे टमाटर भी जल्दी गल जाएंगे और मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। और अब इसमें यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी। और अब इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूँगी, जिससे हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा। थोड़ा सा पानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी गोभी को भी अभी गलना है, तो ये पानी उसको गलने में भी हेल्प करेगा। यहाँ पर मैं इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए सॉटे करूँगी और उसके बाद हम इसमें अपनी घिसी हुई गोभी डाल देंगे, देखिए, और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत सारी रेसिपीज लेकर आने वाली हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को बिल्कुल स्लो पे कर देंगे और इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे। और इसको अब मैं 5 से 6 मिनट के बाद चेक करूंगी। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए, हमारा बढ़िया खिला खिला गोभी कीमा अभी रेडी नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें मिलाएंगे। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको अब हम खुला भूनेंगे। खुला भूनने के लिए मैं यहाँ पर इसमें 2 चम्मच देसी घी डालूंगी और इसको इस देसी घी के साथ हम भूनेंगे। इससे देखिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको खुला भूनना भी जरूरी है क्योंकि गोभी गल गई है लेकिन गोभी में थोड़ा बहुत पानी जैसे रह जाता है, तो वो पानी सूख जाएगा और खिला खिला हमारा कीमा मिल जाएगा हमें। भूनते ही मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी कटा हुआ, बहुत सारा हरा धनिया। विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये।
और इस रेसिपी का एक और फ़ायदा है कि आज आप इसको खाइए पराठे पूरी या रोटी जिसके साथ मर्जी खाइए, और कल अगर ये बच जाए थोड़ी सी तो इसकी स्टफिंग करके इसके पराठे बनाइए और गोभी के बढ़िया, गोभी कीमा के बढ़िया पराठे खाइए। लास्ट में इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे और इसमें मिक्स कर देंगे और ये हमारा टेस्टी गोभी कीमा रेडी है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं और टेस्ट करते हैं। सर्दियों में सेहत से भरी ऐसी बहुत सारी इजी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईटिंग शीटिंग बाय मीनाक्षी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।